हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप सभी, मुझे लग रहा है कि आप सभी फाइन होंगे, डेफिनेटली फाइन होंगे। तो आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। प्रिज्म हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म लेंगे, लेंस कन्वर्जिंग लेंस लेंगे और मिरर कन्वर्जिंग मिरर लेंगे, क्योंकि इससे हमें रियल इमेज मिलती है। तो ये वाले लेना है। तो ये किस रिलेटेड है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमें देखना, रे का यूज नहीं करना है, हमें वेव फ्रंट्स का यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए किस टाइप से हमें वेव फ्रंट मिलते हैं, अगर प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगल पार्ट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म का रेक्टेंगुलर पार्ट ले लिया है। अब देखिए, सिंपल से अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो पहले रे का हमें पता है, ये रे इंसिडेंट कर देते हैं। रे रेरा टू डेंसर, ये डेफिनेटली ग्लास से बना हुआ, और ये डेंसर टू रेरा, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेरर मीडियम हो गया, ये फिर से रेरर मीडियम हो गया। क्लियर है सभी को? तो ये पहले हमने बना ली है रे, ये क्या बन गई है? रे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम रे को रे से नहीं रिफ्लेक्शन शो करते हैं, हम वेव फ्रंट से शो करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रे का। तो ये जो है, ये जो इंसिडेंट होने वाला वेव फ्रंट है, ये वाला जो वेव फ्रंट है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलने वाले हैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें तो ये देखिए, ये इसका परपेंडिकुलर, रे पर परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है वो आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया बच्चों? मतलब आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था? वेव फ्रंट ये था प्लेन, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन है। और रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी कैसा है? ये भी प्लेन है। तो कोई भी चेंज नहीं आया। अगर रिफ्रैक्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर आपका प्लेन है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्रिज्म के थ्रू प्लेन ही मिलने वाला है। क्लियर हो गया? यही हमारा डायग्राम है। क्लियर? अब आता है थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस में हम देखते हैं क्या करते हैं, इसमें भी हम प्लेन वेव फ्रंट ही लेते हैं। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यहां तक तो एलईडी रहेगा, भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, ये रे है, इधर से भी रे लेते हैं, ये फोकस है, तो ये फोकस पर कन्वर्ज होती है, आपको पता है रेस का। ओके, पहले रेस से ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये देखिएगा, बन गया बच्चों। बट हमें तो क्या इंसिडेंट करना है? वेव फ्रंट। तो ये देखिए, मैं सिंगल वेव फ्रंट बना रहा हूं, ये देखिएगा, ये इसके साथ में 90 डिग्री बना रहा हूं, मतलब ये जो वेव फ्रंट है यही इंसिडेंट हो रहा है यहां पर। तो इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। बोलिएगा क्लियर है? अब हमने क्या देखा कि ये जो वेव फ्रंट है यहां पर तो हाई है, यहां पर लार्ज है, लेकिन ये स्मॉल होते 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 ये फोकस पर कन्वर्ज हो गया। तो कैसा, किस टाइप का वेव फ्रंट हमें मिल रहा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट बताइए इस केस में। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था? प्लेन वेव फ्रंट था। बट रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट कैसा मिला? स्फेरिकल, स्फेरिकल, और वो भी कैसा? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। समझ में आया बच्चों? कन्वर्ज होते हुए स्फेरिकल, ये देखिए कर्व होते 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 ये कर्व आया। क्लियर है? अब हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हम लेना है, ये लीजिए कॉनकेव मिरर ले लिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। तो पहले तो रेस का इंफॉर्मेशन है, ये रे बना देते हैं, यहां पर भी रे बना देते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं पॉइंट फोकस होती है रेस, ये देखिए। तो आप समझते हैं फिर से, इसका प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं। देखिए ये जो वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर किया हमने, ये तो क्या है? रे। और रे और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों? अभी देखिए ये कन्वर्ट होते हुए ये कर्व में स्फेरिकल में आता जाएगा, ये देखिए स्मॉल होते होते हुए यहां पर कन्वर्ट हो गया। तो फिर से देखेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, ये कॉनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है प्लेन वेव फ्रंट, और
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये कैसा है? ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल में भी कैसा? कन्वर्जिंग। अब आप कहेंगे सर कॉनकेव लेंस का भी बनाइए, कॉनकेव लेंस का बनाइए और कॉन्वेक्स मिरर का बनाइए, तो उनका बनाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो क्या होते हैं? डाइवर्जिंग होते हैं, तो उनके नहीं बना सकते। तो ये भी हमारे सिलेबस में ही थे, इतना ही कॉन्सेप्ट। बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म लेंस एंड मिरर इन केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, सो वी हैव ड्रॉन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके कंटिन्यू और वीडियो देखने के लिए ऑप्टिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।